ट्रेन की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो कुछ भी आप टीवी में देखते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष तो वो भी है, लेकिन समागम अटेंड करना भी उसी कृपा का एक रूप है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि लोगों को तसल्ली पूरी तब होती है जब वो प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं या वन टू वन देखते हैं, क्योंकि अब लाखों लोग हो चुके हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक सच्चाई जरूर है कि वो कृपा उसी तरह से हर इंसान के ऊपर जारी होती है जो सच्चे मन के साथ इस दरबार से जुड़ा होता है। तो उसके लिए डिस्टेंस भी मायने नहीं रखता, या वो नजदीक है या दूर है, मायने क्या रखती है, वो भावना। और वही भावना सच्ची शक्तियां, चाहे वो किसी भी धर्म की होती हैं, वही देखती हैं। बहुत बार लोग कई तरह के आडंबर करते हैं या तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन मन में वो सच्चाई जो होनी चाहिए उसमें कहीं कमी होती है। तो हम जो चीजें आपको बहुत समय से, अब तो क्योंकि काफी कुछ लोगों को पता लग चुका है और वो चीजें छोड़ चुके हैं, और आज जो आप देख रहे हैं जगह जगह समागम हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं तो वहां पर सीट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये और कुछ नहीं, ये उनकी कृपा का रूप है, ये एक सच्चाई है जो पहले कुछ लोगों को पता थी, अब विशाल रूप में लोगों को पता लग रही है कि किस किस चीज में हम फंस रहे थे, कहां कहां से हमारा नुकसान हो रहा था या क्या गलतियां हम कर रहे थे। तो वो बहुत सी चीजें अब लोग ठीक करके आते हैं, आधे से ज्यादा वैसे निपटा के आते हैं। सिर्फ ये निपटाना ही नहीं, ये पहले तो गंडे तावीज या ऐसे उल्टे सीधे उपाय जो थे वो छोड़ते थे, अब तो लोगों के केस हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि वो अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं कि हम ये मिलावट करते थे, अब हम क्या करें। तो वो उनकी सच्चाई उनको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां वो कृपा है, क्योंकि जो जो चीजें बताते हैं, कई आदमी जो है वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, कहीं कुछ गलत करते हैं तो सोचते हैं कि कमा लिया, वास्तव में वो कमाया नहीं, वो गवाया होता है। तो वो गवाना जो है वो फिर जब उसका भुगतान करना पड़ता है, जब आदमी थोड़ी देर के लिए कमा के उसका भुगतान करता है, तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो गलतियां होने से पहले टीवी में देख के भी जो फॉलो कर रहा है तो वो कृपा जा रही है, लेकिन फॉलो क्या कर रहा है, फॉलो उसको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो बताई जा रही हैं। जिस शक्ति को मान रहे हो उसी को ही मानते हुए, वो शक्तियां तो सारी शक्ति वाली हैं, एक समान है, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे कर्म हैं जो साथ जुड़े होते हैं, उनको उस हिसाब से करना होता है। वो एक एक पल, और कई बार आदमी कहता है हमें कौन देख रहा है, तो वो तो सारी दुनिया को देख रहे हैं। भई आपने कभी भांग देखी? नहीं, कभी नहीं देखी। नहीं देखी। शिवरात्रि को मंदिर गए थे? मंदिर ऐसे जाता है, है? जाने जाता है, हम जाता है के लिए। कभी किसी को चढ़ाते हुए देखा भांग के? नहीं, ऐसे नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं देखा। अब शिवरात्रि को एक बार जाके भांग चढ़ा देना। शिवरात्रि को? शिवरात्रि को शिवलिंग पर चढ़ा देना। ऐसे ऐसे जाता है, हम हनुमान मंदिर भी हमारा दुकान का बगल में है, शिव मंदिर भी है। हम शिवलिंग के पास कब जाते हो? शनि मंगलवार, शनिवार और मंगलवार। बाकी दिनों में क्या मना किया हुआ है? मना नहीं, लेकिन हमको मौका मिलता है, विजिट करता है तो हम समय निकाल के जाता है। कहाँ रहते हो आप? हम सिलचर असम में रहते हैं। असम में रहते हैं। वैसे शिव की कृपा जरूर आ रही है। एक चिलम किसी साधु को 5-10 रुपए दे देना, किसी चिलम वाले साधु को दे देना, और शिवलिंग पर भांग चढ़ा देना, जाओ बैठ जाओ।
भी आप परौठे नहीं खाते हैं? खाता हूँ महाराज। गोभी के परौठे कब खाए? गोभी नहीं खाए महाराज, बहुत दिन से नहीं खाए ना। नहीं खाए, वो खा लेना। ठीक है। रिमोट है घर में? जी सर, जी बाबा जी है। ठीक काम कर रहा है? हाँ ठीक कर रहा है जी। सेल ठीक है उसके? सेल तो पुराना हो चुके, पुराना है ना, वो बदल दो। ठीक है, ठीक है महाराज। मेरी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, 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 सबकी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, कभी घोड़े पर चढ़े? हाँ जी, घोड़े पे चढ़े। कब चढ़े थे? जब वैष्णो देवी गया था जी। कितना समय हो गया? अक्टूबर में गया था जी, अक्टूबर में मैं और मेरी वाइफ गए थे दोनों ही। झटका तो नहीं लगा था? गिरने तो नहीं लगे थे? नहीं, थोड़ा सा हुआ था जी। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर जय माता दी बोल दिया करो। ठीक है जी। मेरी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, मेरी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, सबकी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, सबकी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, मेरी बिगड़ी बना दो रे ओ बोले भंडारी, आप आ जाइए जरा। निर्मल बाबा जी को प्रणाम। ये आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं? जी गुरु। कौन सा ब्रांड? कोई बदला तो नहीं? नहीं। कौन सा करते हो? मदर डेरी का। मदर डेरी का। कभी दूसरा जो अनेक किया कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं यूज किया था? हाँ जी किया था। कितना समय हो गया है? अभी रिसेंटली किया था। रिसेंटली किया था जी। अभी पहले क्या बोले, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मदर डेरी का। तो फिर मदर डेरी में वो ब्रांड तो नहीं? जी नहीं। हा? अब जो बदल के लिया है, एक ब्रांड जाके माता की जोत के लिए जाओ चढ़ा देना मंदिर में। शॉल जिन्होंने लिया हुआ गया है, ये शॉल जिन्होंने ले रखी है, अब ये बताओ कि आपने शॉल खरीदी कभी? शॉल बाबा जी मम्मी के लिए ली थी। हैं? मम्मी के लिए ली थी, शिमला गए थे घूमने। मम्मी के लिए थी? कब ली थी? 2 साल पहले, शादी के 3 साल पहले। भाई बहुत समय हो गया, साल में एक बार खरीद लिया करो। हैं? इसीलिए शॉल ही शॉल आ रही है आपकी, मतलब ही शॉल ही लग रही है हमें, अब जाके खरीद लेना।